और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 110वें एपिसोड के जरिए लोगों को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नए वोटर को लेकर चर्चा की, नए वोटर देश के लिए समर्पण बनेंगे। उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में स्वास्थ्य विभाग के हजारों करोड़ योजनाएं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सोमवार को रेलवे के 70,000 करोड़ के विकास कार्य का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय की धरती से हजारों करोड़ों की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पूरे देश को मन की बात के माध्यम से संबोधन किया और जिस तरह द्रोण दीदी, नमो द्रोण दीदी किस तरह देश के किसानों को सहायता कर रही है उसके बारे में चर्चा किया और नए जो नए वोटर बन रहे हैं, न्यू वोटर के लिए, देश के लिए, देश के समर्पण के लिए उनको मतदान करने के लिए आग्रह किया देश के प्रधानमंत्री जी ने। इसके लिए मैं विशेष तौर पर बिहार भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद भी देता हूं कि देश के विकास की भी चर्चा किया, न्यू वोटर्स की भी चर्चा किया और अगले दो दिनों में बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज स्वास्थ्य विभाग के हजारों करोड़ रुपये के योजना को या तो उद्घाटन करेंगे या शिलान्यास करेंगे। इसके साथ साथ कल रेलवे के द्वारा लगभग 70,000 करोड़ रुपया का बिहार में प्रोजेक्ट चल रहा है उसका शिलान्यास उद्घाटन करेंगे और अगले 10 दिनों में